बिना रोए यह कहानी सुन सकते हो क्या? पति पत्नी में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गर्मियों की रात थी, वह दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। आधी रात को पति को बहुत जोर से प्यास लगी। वाटर कूलर पास ही मेज पर रखा था तो उसने खुद उठाकर पानी पी लिया। अचानक उसने मुड़कर देखा कि उसकी पत्नी उसे गुस्से में देख रही है और बोली, आपने पानी खुद क्यों पिया? पति ने भी गुस्से और अकड़ से जवाब दिया, हाथ पांव सलामत है, खुद भी पी सकता हूं, किसी का मोहताज नहीं हूं। पत्नी ने पास आकर पति का गिरेबान पकड़ लिया और बोली, एक बात गौर से सुन लो, लड़ाई अपनी जगह है लेकिन मैं अपना हक और खुशी को छीनने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी देते हुए मुझे खुशी होती है, भले ही बातचीत बंद क्यों ना हो, लेकिन आप पानी खुद नहीं पियेंगे। ऐसा कहते कहते पत्नी की आंखें नरम नाजुक सुर्ख थी। पति ने उसे गले लगाया और झगड़ा खत्म कर लिया। और फिर 10 साल बाद जब रात को 2 बजे पति पानी पीने के लिए उठता है तो दीवार पर लगी उसकी खूबसूरत तस्वीर को देखकर आंखों से पानी बहने लगता है। भीगी हुई आंखों से तस्वीर को हाथ लगाता है। उसे अपनी पत्नी की एक बात याद आ जाती है। वो कहती थी, मोहब्बत मर नहीं सकती। मेरे भाइयों और बहनों, अपने करीब के लोगों की जिंदा रहते कदर कीजिए। यह जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए इस छोटी सी जिंदगी की अहमियत समझें। अपने खास लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर करें।